डॉक्टर लामा इकबाल की शायरी सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है बल्कि समझने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा शेर या ऐसा उनका कलाम जो हमारी समझ में नहीं आता, हम उसके लिए अपने उस्ताद से, अपने असातिज़ा से रहनुमाई लें, उसे समझें। हज़रत अली करमुल्लाह वजहों से ने यह सवाल किया कि वो कौन सा कलिमा ऐसा है जिसका पहला हिस्सा कुफ्र है और दूसरा ईमान है। वो कौन सा कलिमा ऐसा है जिसका पहला हिस्सा कुफ्र है और फिर ईमान है? तो ला इलाहा इल्लल्लाह के जिसमें हम ला कहते हैं वो इनकार है कि नहीं कोई, और दूसरा ईमान है इल्लल्लाह सवाए अल्लाह के कि वही माबूद है, वही हमारा माबूद है जिसकी हम इबादत करते हैं। तो अल्लामा इकबाल की शायरी की फिक्र, वो सोच, वो समझ, उस पर अमल करें, उसको अपनी ज़िंदगी का वतीरा बना लें कि जैसे इकबाल चाहते हैं कि हम अच्छे और सच्चे मुसलमान बन जाएं, वैसे हम मुसलमान बने। अभी मदु करूँगा मैं हाफिज़ शहज़ाद साहब को कि वाइन और डॉक्टर लामा मोहम्मद इकबाल की।